नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि अहमदाबाद से है, आपको बता दें कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट में स्पेशल कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को सजा करार दी है। आपको बता दें इनमें से 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है, जो आजीवन कारावास की सजा है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कोर्ट ने सजा सुनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 38 दोषियों को इसमें फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि इस बम धमाकों में मारे गए परिजनों को कोर्ट ने 1,00,000 रुपये देने का मुआवजे की बात कही है, तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की बात की है, तो जब वहीं मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने की कोर्ट ने मुआवजे की बात की है। आपको बता दें इसमें 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को इसमें फांसी की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि यह मामला पूरा 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट में हुआ था। आपको बता दें कि इन सभी दोषियों को करार दिया गया था, जिसमें 28 आरोपियों को बरी कोर्ट ने इससे पहले बरी कर दिया था। इस मामले में अब 13 साल से स्पेशल कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 68 आरोपियों को चुना गया था, जिसके बाद आरोपियों में एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया था, तो वहीं 77 आरोपी बचे थे। उसके बाद यह फैसला लिया गया है जिसमें 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 को हुए बम धमाकों के बाद अब यह फैसला कोर्ट ने ले लिया है। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 2800 को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया था। ये पहली बार है था जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें कि दोषियों को आईपीएस की धारा 302 और यूएपीए के तहत दोषी करार दिया गया है। आपको बता देते हैं कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर यह पहला धमाका हुआ था। इसके बाद मणिनगर में यह धमाका हुआ था, जिसके बाद 70 मिनट में करीब 20 धमाके पूरे अहमदाबाद में हुए थे। उसको लेकर आज स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने 38 आरोपियों को फांसी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये बम धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के किए गए थे। आपको बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 के गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ये धमाके कराए थे। आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल में रख दिया था। भीड़भाड़ और बाजार वाली जगहों पर यह धमाके किए गए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। धमाकों से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजेंसियों को मेल किया था और जिसमें लिखा था कि जो चाहे कर लो, रोक सको तो रोक लो, जिसके बाद लगातार 21 धमाके अहमदाबाद में हुए थे। आपको बता दें कि अब अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान सुना दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान सुनाया है, जिसमें 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बड़ी खबर में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।